तो गाइज वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। और अभी हमारा ब्लॉग आ रहा है बहुत दिनों बाद। सो इतने दिनों बाद ब्लॉग आने की वजह है कि मेरी बहन 14 साल बाद अपने घर आएगी रजौरी। उसी को लेने के लिए मैं अभी पटना रेलवे स्टेशन आया हूँ। ये मेरे पीछे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन है। सो अब जा रहा हूँ मैं उसके घर। सुबह के बज गए हैं 4:30 और मैं पहुँच गया उसको लेने के लिए। सो बस अब दिखाता हूँ जब मैं उसके घर पहुँचूँगा तब। शाम के बज गए 4 और हमने कर ली निकलने की तैयारी। और अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए 6:30 बजे। वो हो गई हमारी पैकिंग, वो हो गई हमारी पैकिंग और हम निकलेंगे 6 बजे दिल्ली के लिए, दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन संख्या दिल्ली से पटना को जो बोल देते हो, पटना से दिल्ली वीडियो। तो गाइस अब हम निकल चुके दिल्ली के लिए। हमारी ट्रेन है 7:30 बजे की। अब बज रहे हैं 7। इसको प्लेन दिख गया पूरा मम्मी, इसको भरी मार्केट में प्लेन दिख गया। अभी तो अब आपको दिखाते हैं ट्रेन में पहुंचने के बाद। गाइज अब हम जा रहे हैं दिल्ली और ट्रेन में बैठ चुके हैं। एक ये सीट है हमारी, एक वो है और एक ये सीट है। और ट्रेन में आ गया खाना, तेजस राजधानी एक्सप्रेस का खाना। तानिश बड़ा एक्साइटेड था खाने के लिए। खाओ खाओ दही, दही खोलूं? चीनी होगी, चीनी नहीं है। तो गाइस रात के बज रहे हैं 12:45 और मैं उस टाइम ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और मैंने घर में करके और घर पर मेरे साथ अभी मेरे भाई भाभी हैं और वो लोग गए हुए हैं पटना बहन को लेने अपनी। तो हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बहुत सालों बाद घर आने वाली है। सुबह 7 बजे आ जाएंगे वो लोग, मतलब घर पे 8-9 बजे तक आएंगे। गाइस हमारी दीदी बहुत टाइम बाद आने वाली है ब्लॉग शूट कर रही, उसने तो किया ही नहीं। गाइस हम पहुंच गए दिल्ली। देखो और भी तारीख आ गए, मैं वीडियो बना रही हूँ। वेलकम वेलकम दीदी, कैसे हो? हाय, हाय हाय, कैसे हो? बढ़िया। देखो गाइस लोग आ गए 2 दिन बाद है। क्या लेके आई हो? अरे चिप्स लाख लाख मारोगे, आंख गले लगी मेरे। और कह रही मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूंगी। तो गाइस वेलकम टू व्लॉग अगेन। और ये लोग आ चुके हैं घर। ये रहा हमारा सामान, हमने नाश्ता कर लिया था और अब खाने की तैयारी चल रही है।
आज पूजा रोटियां बना रही है, वैसे तो रोज यही बनाती है। हाँ, तो वो मेरे ताजा समाचार में फ्लो में निकल गया, वैसे तो रोज यही बनाती है पर आज भी बना रही है। और आते ही मेहमान हमारे बर्तन धो रहे हैं और इसको मजे आ रहे हैं, इसको मिल गई दीदी खेलने के लिए। ओ हो, और ये मैंने चाय बनाई है और वो निकल जाए। नहीं, क्या ऐसे कैसे निकल जाती, सिर्फ उसने आवाज मारी थी कि मैं जा रही हूँ, रोक सफर। हाँ, और गाइस ये देखो हमारे घर में चहल पहल, उधर वो भाग रहा है, इधर ये भाग रहे हैं, इधर आटा गूंद रहा है, उधर बर्तन धुल रहे हैं, पता नहीं। उर्वी ने दिया है। गाइस देखो दीदी कौन कहाँ खाना खा रही है हमारे घर में, हमारा घर छोटा पड़ रहा था पार्किंग आके खाना खा रही है रघु। अच्छा हम लोग उठ गए अकेली जीव रही है, पकड़ी गई वो भी पूरा देख देखो कितना बड़ा दही का कटोरा है ले जिमड़वार खाली करनी पड़ी खा के डिस्टर्ब कर दिया मेरे को, अच्छी खासी खा रही थी। मैं तीनों भाई बहनों का झगड़ा हो तो क्या कर रहे हो, और यहाँ पे हमारे बाजी भी आए हुए। गाना मत गा, गाना मत गा, मुंह से गाने के लिए मुंह से भी आना, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब मुझे लगा मुंह से भी होता है। अच्छा तो सारी बजा रही, और एक बॉल बजा रहा है, अरे नाभी में इनकी बदबू आती है, मत कर क्या क्या बोले जा रहे ब्लॉग में, जब पागल डिलीट कर दूंगा अभी मैं तेरी में बड़ा गुलाब जल डाला पड़ा इसको देखो, इसको निकू को देखो, एक तो कैसे बैठी है जब तक हमारे उस्ताद मूंगा है सोफा नहीं है, वही तो है कुछ में बोला कुछ नहीं है, नहीं वो बैठी है नहीं की बात बैठो, ये मेरा चेला बुलाए, निकु बुलाए, चेला ढूंढू, चेला ढूंढू, उस्ताद बंधु चेला ढूंढू, और मोटी नाभी वाला गुरु जी मूंगा सूट वाला ढूंढू। गाइस ये देखो मेरे सिक्स पैक क्या हो गया, सिक्स पैक है, पूरा फैमिली पैक है आपका, अच्छे हो गए ना पूरे, तो हजार रुपए लूंगा, एक और दो तीन चार पाँच छह, अरे इसको भी तो गाइस इनकी पागल बस इग्नोर करते हैं, हम लोग करते हैं व्लॉग की एंडिंग।